मुठिया बनाने के लिए मैंने ये 1 कप अरबी के पत्ते लिए हैं, आड़ू के पत्ते। इसमें डालेंगे 1 चम्मच बेसन, 2 चम्मच बेसन और 4 चम्मच ज्वार का आटा लिया है, 2 चम्मच गेहूं का आटा डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा हींग, हल्दी, धनिया, 2 चम्मच दही, 1/2 चम्मच शक्कर, 1/2 चम्मच अजवाइन, 1/2 चम्मच तिल, अदरक लहसुन को क्रश करके डाला है, हरी मिर्च, 1 चम्मच तेल। अच्छे से मिक्स कर लेना है। पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है, छलनी को तेल लगा लिया है। एक बर्तन में पानी रखेंगे और इस पर छलनी रख देंगे। 15 मिनट हमें इसे ढककर स्टीम करना है। 15 मिनट के बाद ये अच्छे से स्टीम हो गया है, अब इसे ठंडा होने देंगे। इस तरह से कट कर लेना है सारी मुट्ठियों को। 2 चम्मच तेल गरम करेंगे, उसमें डालेंगे 1 चम्मच राई, 1 चम्मच तिल, थोड़ा सा हींग, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसमें डालेंगे वड़ी। मुट्ठियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट हम इसे मसाले में कोट होने तक भून लेंगे।